और सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई ड्रग्स गैंग से अब थाली तक पहुंच चुकी है। जब बात सुशांत के न्याय की होनी चाहिए थी, तब चर्चा ये हो रही है कि बॉलीवुड की थाली में छेद कौन कर रहा है, बॉलीवुड की थाली किसने सजाई है, ये बॉलीवुड किसका है। और इस जंग में एक तरफ जया बच्चन है और दूसरी ओर कंगना रनौत। हर नए दिन के साथ आप देख रहे हैं कि इस लड़ाई में नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं, जो अपनी मर्जी से अपना खेमा चुन रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन मौन हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अभिनेता शेखर सुमन जुड़ चुके हैं। शेखर सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। और सुशांत राजपूत की मौत की मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते अब ये ड्रग रैकेट का खुलासा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में ये बंटवारा हो गया है, ये मेरी थाली वर्सेस तेरी थाली, ये जंग आखिरकार क्यों शुरू हो गई है? शेखर सुमन जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम बाहर आए थे, जो जंग की शुरुआत हमने की थी, और वो ये कि सुशांत की हत्या हुई है तो उसके हत्यारे कौन है, क्या वो वजह थी जिनकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और इसको लेकर बहुत वाद विवाद हुए, तर्क वितर्क हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे, लड़ाई छिड़ी, महाभारत हुआ, बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, लेकिन एक बात तो साफ थी कि सुशांत की जान चली गई और जो ये हादसा हुआ उसके पीछे कुछ लोग या कोई एक मास्टरमाइंड है जिसका हमें पता लगाना था। लेकिन अफसोस कि जिस दिशा को लेकर हम निकले, जिस लक्ष्य को हम लेकर निकले थे, वो हाईजैक कहीं ना कहीं बीच में उसका अपहरण कर लिया गया, और अब हम उस चौराहे पे हैं जहां हमें मालूम ही नहीं कि हमें किस दिशा जाना, दिशाहीन हो चुका। इसमें राजनीति आ गई, इसमें अपने एजेंडा वाले लोग आ गए, और ये बड़े अफसोस की बात कि अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने इस पूरे केस को तोड़ मरोड़ दिया। मुझे लगता है कि अभी सुशांत की आत्मा सबसे ज्यादा अशांत हो, और बात देखिए निकलते निकलते संसद तक पहुंच गई, संसद से थाली तक पहुंच गई, थाली से गाली तक पहुंच गई। 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ था, आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री का विभाजन हो गया, जहां तमाम लोग साथ रहते थे, साथ मिलके हमने एक इतनी खूबसूरत दुनिया की रचना की। उसमें ये बात जरूर है, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ नेक्स वजह से एक माफिया जो उसमें हो गए थे, उनकी वजह से इंडस्ट्री को जी मिला। मुझे तो मैं ये कोई अभी विवादात्मक या अभियोगात्मक बातें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आई एम नॉट इंगेज और एडिक्टेड टू पोलेमिक्स, कोई ये विट्रियोलिक डायट्राइब नहीं होने वाला। मैं सिर्फ ये कहने वाला हूं कि बड़े अफसोस की बात है जो हुआ, और जिस थाली की हम बात कर रहे हैं वो थाली तो हम सब ने मिलकर सजाई, उस थाली में हम सब मिलकर खाते, इसलिए उस थाली पे उंगली उठाने का ये जो जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है उनका हक बनता ही नहीं। तो ये जो भी बात शुरू हुआ है इसे फौरन यहीं खत्म कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, और सबसे अहम बात, तो ठीक है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ये पूरी जांच पड़ताल शुरू हुई थी, अब वो हत्या हुई या फिर वो खुद उन्होंने आत्महत्या की, ये तो जांच चल ही रही है। लेकिन अब जो भी है, जो अब खुलासे हो रहे हैं, अगर ये ड्रग रैकेट का खुलासा हो रहा है, तो शेखर सुमन जी थाली में छेद करना कैसे हुआ? अगर ये ड्रग रैकेट का खुलासा हो रहा है, बॉलीवुड में अगर कुछ गलत काम हो रहा है, अगर वो चीजें सामने आ रही हैं, तो मुझे आप ये समझाइए जो जया बच्चन जी कह रही हैं कि ये तो थाली में छेद करने जैसा हुआ, ये कैसे आप कहेंगे कि थाली में छेद हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूंगा कि संसद में जो बातें होती हैं उसमें थोड़ी राजनीति भी शामिल होती है, क्योंकि दो गुट और दो पक्ष के लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबको अपना पक्ष उजागर करने का और अभिव्यक्ति की आजादी जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभ्यता और शालीनता से भी हम अपनी बात आगे रख सकते हैं। तोहमते लगाना
लोगों को बदनाम करना, अपमान करना, ये गलत बात। अगर हमारी असहमति आपसे है तो मैं विनम्रता पूर्वक भी कह सकता हूं कि आपने जो कहा मैं नहीं मानता ऐसी बात, शायद मैं गलत हूं सही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तफाक नहीं रखता हूं। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना, और आप कह रहे हैं महानायक ने कुछ नहीं कहा, मौन है, लेकिन सही है कि उनको अगर 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 ये गंदगी है बॉलीवुड में तो स्वच्छता अभियान से किसी को कोई क्यों दिक्कत होनी चाहिए? किसी को उस बात से दिक्कत नहीं हो रही, इस बात से दिक्कत हो रही है कि ये तोहमत लगाई जा रही है कि इंडस्ट्री के 99% लोग ड्रग एडिक्ट हैं। इस बात से आपत्ति है, क्योंकि हो सकता है 99% लोग में हम सब शामिल हो, तो कौन ये तय करेगा कि वो 1% कौन है जो साफ है और 99% जो है वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, ड्रग एडिक्ट? ऐसा कभी होता है? ये इंडस्ट्री जिसमें कम से कम 10 लाख लोग हैं, जिसमें सिर्फ एक्टर भी शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा, इसमें टेक्नीशियंस भी हैं जो मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो मेहनत से पैसे जुगाड़ते हैं, वो आपको लगता है नशे में पैसे उड़ा देते हैं? जो एडिटर्स हैं, जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं, ये तमाम लोग क्या नशेड़ी हैं? इसमें कुछ लोग हैं, और ये तो पुरानी कहावत है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या उस मछली की वजह से पूरे तालाब को ही हटा दिया जाए या बर्बाद कर दिया जाए, या उस मछली को नहीं? तो बात ये हो रही है कि बात तो अभियान की जो हो रही है वो बहुत सही है जी, लेकिन बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, बात तो पंजाब की भी थी, जहां इतने दिनों से ये नशा हो रहा था, वो नशे के आदि हो गए थे, इतनी मुश्किल से वो उसे रोका गया क्योंकि सरकार ने पहल की। जी शेखर सुमन जी, अगर आपने पंजाब का जिक्र अभी किया, पंजाब में अगर इस तरह के लोग थे जो कि ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, उसी पर वो फिल्म आई उड़ता पंजाब, और आपने देखा होगा बहुत से फिल्म कलाकारों ने तब ये बात कही थी कि अगर कोई गंदगी है और हमारे जो युवा हैं देश के वो उस गंदगी की ओर ना जाएं, तो उन्हें बचाना बहुत जरूरी है, और ऐसे में सच्चाई सबके सामने रखी जानी चाहिए। तो बॉलीवुड की जो सच्चाई है उसको छिपा कर क्यों रखा जाए, वो भी तो सबके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूं ये बहुत पहले आना चाहिए था, ये तो बहुत देर से बात आई। क्या ये बात पहले लोगों को मालूम नहीं थी कि हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स होता है, लोग ड्रग्स करते हैं? इसके कितने वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा जो सालों से सोशल मीडिया पे है, तब किसी ने क्यों आपत्ति नहीं जताई? तब इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? इस बात को इतना आगे क्यों बढ़ने दिया गया? और जो 1% लोग हैं वो हैं, उनका नाम उजागर कीजिए, साबित कीजिए कि ये ड्रग्स में है, उन्हें सलाखों के पीछे डालिए, उन्हें कठोर सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बिल्कुल कीजिए। ये जो हो रहा है बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह से उंगली उठाकर सब पे तोहमत लगा दे जी, वो गलत है, बिल्कुल साफ होना चाहिए। ड्रग का मैनेज जो है न सिर्फ इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में है, लेकिन हम चूंकि इंडस्ट्री के और हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, इसे खत्म होना बहुत जरूरी है। और शेखर सुमन जी, इसलिए भी इंडस्ट्री में खत्म होना जरूरी है क्योंकि जिस थाली की बात हम कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत मेहनत से ये थाली सजाई गई है, और थाली सजाने में देखिए दर्शकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कलाकारों को सर आंखों पर रखते हैं फिल्म कलाकारों को, और उन्हें रोल मॉडल्स के तौर पर देखा जाता है, तो ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर तो नहीं होना चाहिए? हम अगर उन्हें रोल मॉडल्स के तौर पर देख रहे हैं तो उन्हें हमारे सामने एक आदर्श के रूप में एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, ये भी तो जरूरी है जी। तो क्या अमिताभ बच्चन हमारे आदर्श नहीं रहे? क्या देवानंद, क्या राज कपूर, क्या दिलीप कुमार, क्या पृथ्वीराज कपूर, क्या बलराज सहनी, क्या मोतीलाल, क्या मीना कुमारी, क्या वहीदा रहमान, क्या मधुबाला, ये सब आदर्श नहीं रहे हैं हमारे? क्या हमने उनका अनुकरण नहीं किया? क्या कभी कोई गलत बात के बारे में निकली? नहीं, तो हम उनका अनुसरण क्यों ना करें? हम उन लोगों के पीछे क्यों जाएं जो गलत काम कर रहे हैं? हम उनको पहचाने कि वो कौन लोग हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है, कोई तथ्य है, तो बिल्कुल उन्हें दंडित करना चाहिए, जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो इसके पक्ष में हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि उंगली उठाकर सब पे तोहमत लगा। अब कौन डिसाइड करेगा कि वो शेखर सुमन जी, आपकी बात ठीक है कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि वक्त अब बदल गया है? जो अहम मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के सरोकार से जुड़े हुए हैं, अब जो हमारे देश में जो काम करने वाले, बॉलीवुड में काम करने वाले कलाकार हैं, उन्हें भी अपनी बात आगे रखनी चाहिए, आगे बढ़कर, ऐसे में खामोशी ठीक नहीं रहती, फिर आपको शक की नगाह से देखा जाना लगता है।
लेकिन खामोशी जो है वो कमजोरी नहीं माननी चाहिए। खामोशी आपका फंडामेंटल राइट है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी कभी लोग कहते हैं एक चुप सौ सुख। बच्चन साहब जिस जो उनका स्टेटस है, जो जिस तरह का व्यक्तित्व है, वो शायद ऐसा सोचते हैं कि मेरे कहने से हो सकता है बातों को तोड़ मरोड़ दिया जाए और मुझे बदनाम कर दिया जाए, शायद इसलिए वो खामोश। उन्हें बोलना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूं उनको बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे खामोश रहने दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना या टीका टिप्पणी नहीं करनी, तो वो उनका हक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। अगर आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, घुमा दिया, तो फिर आदमी कहां ठोकरे खाएगा ये बताने के लिए कि ये मेरा मतलब नहीं था। और कोई जरूरी नहीं है कि एक विषय पर सब लोग बोले। कभी कभी किसी परिवार में और जॉइंट फैमिली में देखिएगा कि बहुओं की लड़ाई आपस में हो जाती है, सास बहू की हो जाती है, और एक पेट्रियार्कल फैमिली में जो जो सबसे बड़ा जो उच्च स्थान पे शीर्ष स्थान पे जो 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 पुरुष बैठा है वो कभी कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरे कहने से वो ऐसा सोचता है बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो चुप रहता है और बातों का समाधान कभी कभी वैसे ही हो जाता है। तो जो लोग बोल रहे हैं जी, वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहते वो नहीं बोले। हालांकि मेरी दरख्वास्त है कि वो आगे आके बोले, क्योंकि ये बात आपके परिवार में हो रही है, पर अगर नहीं बोलते हैं दैट्स देयर प्रेरोगेटिव जी, हम उनको इस बात के लिए गाली तो नहीं दे सकते। ठीक है शेखर सुमन जी, शिरोमणि अकाली दल के नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने पिछले साल शिकायत की थी कि करण जौहर के यहाँ पर एक ड्रग पार्टी हुई, आपने भी जरूर वो वीडियो देखा होगा। उन्होंने वो ट्वीट करते हुए वो वीडियो भी जारी किया है जिसमें बड़े बड़े सितारे नजर आ रहे हैं, मलाइका अरोड़ा खान से लेकर उसमें अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, बहुत से फिल्म कलाकार हैं, और उन्होंने ये शिकायत पिछले साल की थी। जांच क्यों नहीं हुई ये तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने जांच नहीं, आप पुलिस से पूछिए कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने आ रहा है जहां लोग ड्रग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा भी कि ये ड्रग लेते हैं या मुझे ड्रग देते थे, तो फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए। और देर नहीं, देर सवेर सही, अब होनी चाहिए, बिल्कुल इंडस्ट्री को साफ करना बहुत तो जरूरी है। तो कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक संरक्षण तो मिला हुआ है ना, फिर हो सकता इसके तह तक पहुंचना तो बहुत जरूरी है। अब तो हम पूरी व्यवस्था के खिलाफ तो हम लड़ नहीं सकते, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आपका मैं ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें आपने लिखा है कि कुछ नॉटी माफिया हैं जो बहुत शेर बनकर उछल रहे थे, अब वो अंदर जैसे ही घुसेंगे मिट्टी डालकर हम उसे सील कर देंगे। लेकिन आपको लगता है ये सब देखकर कि ये इतना आसान है, जब राजनीतिक संरक्षण मिला होता है, लोग आपस में तालमेल बनाकर चल रहे होते हैं तो बच जाते हैं? देखिए ये जो आंधी जो अभी बह रही है, ये जो बवंडर जो उठा है, ये जो चक्रवात है, और जिस आबाद गति से ये आगे बढ़ रहा है, जिस भीषणता के साथ, उसमें ये लोग अब बचने वाले नहीं, चाहे इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिले या कुछ और मिले, क्योंकि जनता को अपनी ताकत का एहसास हो गया। मैं ये भी मानता हूं कि ये जनता की ही गलती थी कि ऐसे लोगों को उन्होंने सर पे बिठाया, पलकों पे बिठाया, जो गलत थे, जो आपको दिखाई दे रहा, फिर भी आप इनका पक्ष ले रहे। लेकिन ठीक है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, हम सबकी ये गलती थी कि हमने उन्हें। सुशांत जी, बस आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक और लड़ाई शुरू हो गई है, कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। जब कंगना के घर पर बुलडोजर चल रहा होता है तो बॉलीवुड चुप क्यों हो जाता है? मैंने कहा कि ये उनका इख्तियार है, ये उनको, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हर किसी को बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं बोलते तो क्या हम एक बंदूक उनके कनपट्टी पे लगाते कि तुम्हें बोलना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे? बिल्कुल बोलना चाहिए, चुप क्यों? आप ये बताइए कि क्या हर कोई हर किसी के बारे में बोलता है? कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, हर बार हर कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता यहां। इसीलिए ये अफसोस नहीं जताना चाहिए, ये गलत हुआ, जो हुआ गलत, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उसका प्रेरोगेटिव है।
चलिए, नई नई लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, मामला कहीं से शुरू हुआ था और ये थाली तक पहुंच गया है, ड्रग गैंग तक पहुंच गया है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र सरकार की भी एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सुमन जी हमसे बातचीत करने के लिए, और फिर कोशिश करेंगे किसी दिन और आपसे संपर्क करें और इस मुद्दे पर और बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबर लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.